इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान में बैकअप अपराधियों ने बेटी की स्कूल फीस जमा करने जा रहे एक युवक की चाकू से गोंद कर हत्या कर दी है। बता दें कि बैकअप अपराधियों ने बेटी के स्कूल की फीस जमा करने जा रहे एक युवक की स्टेशन के पास चाकू गोंद कर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान दुलारचंद यादव, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है, जो बड़हरिया थाना क्षेत्र के कोयरी गांव निवासी दुलारचंद यादव का पुत्र बताया जा रहा है। यह घटना नगर थाना इलाके के चिकटोली मोड़ के समीप की है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार की सुबह छपरा स्टेशन के पास एक दवा व्यवसायी रघुवर दयाल शर्मा की चाकू से गोंद कर लुटेरों ने मार डाला था। वहीं दुखन यादव की हत्या के पीछे भी लूटपाट की बात बताई जा रही है। दुखन यादव की बेटी लखनऊ के एक स्कूल में पढ़ती थी। वहीं बेटी के स्कूल में बकाया फीस जमा करने के लिए दुलारचंद यादव सिवान स्टेशन के लिए घर से निकला था। ऑटो से वह स्टेशन जा रहा था। स्टेशन के पास अज्ञात अपराधियों ने ऑटो से उतरकर उसकी हत्या कर दी। वहीं मौके पर तड़पते दुलारचंद को देखकर स्थानीय लोगों ने नगर थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन वहीं दुलारचंद यादव की मौत हो गई। बता दें कि मृतक के पास से एक बैग मिला है जिसमें कपड़े थे। बैग से मिले एक ट्रेन टिकट पर एक 15 साल की लड़की का भी नाम बताया जा रहा है, लेकिन लड़की वहां नहीं मिली। आपको बता दें कि पुलिस को मौके से चाकू का कवर मिला है। वहीं घटना को लेकर पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और पुलिस गश्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तो एक बार फिर बता दें, खबर सिवान से आ रही है, जहां बैकअप अपराधियों ने बेटे की स्कूल फीस जमा करने जा रहे एक युवक की चाकू से गोंद गोंद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी है।